टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास एट का 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। ₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो कुछ हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। समचतुर्भुज के विकर्ण, इसकी क्या क्या लंबाइयाँ दी हैं। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, तो इसको हम डी से शो करेंगे। D1 बराबर दिया है 45 सेंटीमीटर और D2 बराबर दिया है हमें 30 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि जो टाइल हैं वो समचतुर्भुज के आकार की हैं, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका सूत्र होता है हाफ D1 इंटू D2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। D1 है हमारा 45 और D2 है 30। ये हमारा कितना हो जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये हमारा आया है एक टाइल का क्षेत्रफल, और टाइल्स की संख्या कितनी है 3000। तो 3000 टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारा 675 गुणा 3000। तो ये 3 शून्य तो वैसे ही रहेंगे, 5 15 और ये 3 7 21 और 1 22, 6 3 18 और 2 20, ये हो जाएगा 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और फर्श पर जो पॉलिश करना है उसकी दर कितनी दी है मीटर, ₹4 प्रति वर्ग मीटर। तो हम इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए हमें 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये 2025 3 शून्य भागे 100 गुणा 100, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये आया है 3000 टाइल का क्षेत्रफल। अब 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का व्यय, ये हमें दिया है ₹4। तो 202.5 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश कराने का व्यय ये हो जाएगा 202.5 गुणा 4। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 5 को 20 और 4 2 8 और 2 10, 4 2 8 ये, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ₹810। इसका आंसर आ जाएगा ₹810। पूरे फर्श पर पॉलिश कराने का व्यय हो जाएगा ₹810।